गरियाबंद जिले में पिछले 2-3 दिनों से तेंदुए की सक्रियता से स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल है। तेंदुआ जिले के कई इलाकों में देखा गया है। बीते 2 दिनों में 3 अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में उनकी तस्वीरें भी कैद हुई है। इस घटना के बाद से मुख्यालय में भी डर का माहौल है। लोग सुबह और शाम में रात में सावधानी बरत रहे हैं। उधर तेंदुए की खबर के बाद से वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है और लगातार खुद वन विभाग निगरानी कर रहा है, मुनादी कर रहा है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। डीएफओ साहब खुद मौके पर आए हुए हैं जहां से तेंदुए का बार बार आना जाना देखा जा रहा है, उनसे बात करते हैं। सर, 2 दिनों से दिखाई दे रहा है, और ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, तेंदुआ यहाँ पे है कि इसके आसपास के क्षेत्र में? असल में ये जो जगह है जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, इसको चितवा डोंगरी कहते ही है जी, ठीक ना। और यहाँ का जो वातावरण है उसके अनुकूल है, रवाब क्षेत्र उसके हिसाब से है, तो यहाँ वो रहता है और लगातार उसका मूवमेंट होते रहता है। लेकिन आज तक एक छोटा सा भी कोई प्रकरण नहीं हुआ है जिसमें कि वो किसी जीव जंतु को या किसी बकरी या गाय या इवन किसी आदमी को किसी तरह की क्षति पहुंचाया हो। तो सामान्यतः उसका स्वभाव बहुत सामान्य है, आना जाना कर रहा है। छोटे जीव जैसे कुत्ते या कुत्ते के बच्चे वगैरह अगर मिल गए तो उससे उसका भरण पोषण हो रहा है, लेकिन किसी को क्षति पहुंचाने जैसी नियत उसकी दिखती नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसके प्रति दुर्भाव रखना या किसी तरह की बात सोचना ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम लोग सजग रहें, सतर्क रहें, चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। और विभाग तो सर 2 दिन से तैयारी, 3 दिन से लगा ही हुआ और महीनों से गश्तों में भी। अभी आज से क्या विशेष आजकल में, अभी आप आए हुए यहाँ पे? आज चूंकि आम लोगों का ये आग्रह था, कई लोग बोल रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि उसको पकड़ा जाए क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा दिख नहीं रहा है। तो पकड़ने के बजाय सबसे पहले, अच्छा पकड़ने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो मादा होगी उसके साथ अगर बच्चे होंगे तो बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाएंगे, माँ से अलग हो गए तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी, ज्यादा ही आक्रामक हो जाएगी और जो स्वभाव उसका हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक है वो हो सकता है कि नुकसान पहुंचाने लगे। तो बहुत सारी चीजें सोच के रणनीति बनानी पड़ती है, कोई भी कदम उठाने से पहले विचार विमर्श होना चाहिए। तो हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क में है और जो भी रणनीति बनेगी उसको लागू करेंगे। अभी ट्रेस करने के लिए क्या करें सर? आज वही उद्देश्य था कि अपन उस पहाड़ी के आसपास अपन ड्रोन कैमरे के माध्यम से ये देखें कि क्या उसके बच्चे भी हैं, मादा है या नर है, यह भी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ट्रेप कैमरे भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह। तो निश्चित रूप से जैसे ही कोई जानकारी मिलती है उस जानकारी का उपयोग करके आगे की रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो पकड़ने का भी प्रयास करेंगे जो स्थिति बनेगी। तेंदुए की जो स्थिति बोले, अभी तेंदुआ उतना खुखार नहीं है और ना लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वन विभाग पूरी तरह से चौकस है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरते। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद। डीएफओ साहब खुद मौके पर आए हुए हैं जहां से तेंदुए का बार बार आना जाना देखा जा रहा है, उनसे बात करते हैं। सर, 2 दिनों से दिखाई दे रहा है और ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, तेंदुआ यहाँ पे है कि इसके आसपास के क्षेत्र में? असल में ये जो जगह है जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं इसको चितवा डोंगरी कहते ही है जी, ठीक ना। और यहाँ का जो वातावरण है उसके अनुकूल है, रवाब क्षेत्र उसके हिसाब से है, तो यहाँ वो रहता है और लगातार उसका मूवमेंट होते रहता है। लेकिन आज तक एक छोटा सा भी कोई प्रकरण नहीं हुआ है जिसमें कि वो किसी जीव जंतु को या किसी बकरी या गाय या इवन किसी आदमी को किसी तरह की क्षति पहुंचाया हो। तो सामान्यतः उसका स्वभाव बहुत सामान्य है, आना जाना कर रहा है। छोटे जीव जैसे कुत्ते या कुत्ते के बच्चे वगैरह अगर मिल गए तो उससे उसका भरण पोषण हो रहा है, लेकिन किसी को क्षति पहुंचाने जैसी नियत उसकी दिखती नहीं है। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसके प्रति दुर्भाव रखना या किसी तरह की बात सोचना ठीक नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम लोग सजग रहें, सतर्क रहें, चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। और विभाग तो सर 2 दिन से तैयारी, 3 दिन से लगा ही हुआ और लगभग महीनों से गश्तों में भी। अभी आज से क्या विशेष आजकल में, अभी आप आए हुए यहाँ पे? आज चूंकि आम लोगों का ये आग्रह था, कई लोग बोल रहे थे कि इसको पकड़ना चाहिए, हम लोग इस पक्ष में नहीं है कि उसको पकड़ा जाए क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा दिख नहीं रहा है। तो पकड़ने के बजाय सबसे पहले, अच्छा पकड़ने में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो मादा होगी उसके साथ अगर बच्चे होंगे तो बच्चे अपनी माँ से अलग हो जाएंगे, माँ से अलग हो गए तो एक अलग समस्या खड़ी हो जाएगी, ज्यादा ही आक्रामक हो जाएगी और जो स्वभाव उसका हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक ठाक है वो हो सकता है कि नुकसान पहुंचाने लगे। तो बहुत सारी चीजें सोच के रणनीति बनानी पड़ती है, कोई भी कदम उठाने से पहले विचार विमर्श होना चाहिए। तो हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क में है और जो भी रणनीति बनेगी उसको लागू करेंगे। अभी ट्रेस करने के लिए क्या करें सर? आज वही उद्देश्य था कि अपन उस पहाड़ी के आसपास अपन ड्रोन कैमरे के माध्यम से ये देखें कि क्या उसके बच्चे भी हैं, मादा है या नर है, यह भी पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, ट्रेप कैमरे भी लगाए जा रहे हैं अलग अलग जगह।
तो निश्चित रूप से जैसे ही कोई जानकारी मिलती है उस जानकारी का उपयोग करके आगे की रणनीति बनाएंगे और जरूरत पड़ेगा तो पकड़ने का भी प्रयास करेंगे जो स्थिति बनेगी। तेंदुए की जो स्थिति बोले अभी तेंदुआ उतना खुखार नहीं है और ना लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन फिर भी वन विभाग पूरी तरह से चौकस है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।